टू माई यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस चैनल पर आपको जो है डेली के डेली फ्री प्रेडिक्शन मिल जाती हैं, और टेलीग्राम का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में, इसे भी जरूर से ज्वाइन कर लें। यहाँ पर आपको डेली रिजल्ट अपडेट कर दिए जाते हैं और लाइव बेट भी मिल जाती हैं, जो कि 89% विनिंग चांसेस रहती हैं। तो यहाँ भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, यहाँ भी आपका प्रॉफिट अच्छा बनेगा। अब चलिए बात करते हैं आज की अपनी फुटबॉल प्रेडिक्शन की। तो आज का जो अपना पहला मैच रहेगा वो इंग्लैंड लीग बनकर रहेगा फ्रेंड्स। और एक बात और बता दूँ मैं कि अभी 2-3 दिन जो है अच्छे मैचेस नहीं हैं, क्योंकि जो है अपना यूरोप लीग चलने वाली है, तो उसके लिए बड़े बड़े जो टूर्नामेंट हैं अभी वो उनके लीग जो है वो अभी हो नहीं रही हैं, तो कुछ अच्छे मैचेस नहीं। तो आप अपना मीडियम इन्वेस्टमेंट रखिएगा, क्योंकि इन मैचों में थोड़ा सा रिस्क रहता है। तो आज का जो अपना पहला मैच रहेगा वो इंग्लैंड लीग वन का रहेगा, जो कि एकरिंगटन स्टेनली और प्लेमाउथ के बीच में होगा, जो कि रात को 1:15 पर मैच स्टार्ट होगा। तो इस मैच में जो फेवरेट है वो प्लेमाउथ है। तो इसमें आप बिन 2 पर थोड़ा सा रिस्क लग रहा है मुझे, इसलिए आप जो है सेफ जाइएगा। रेगुलर टाइम में आप थोड़ा सा नीचे आएंगे, यहाँ पर आपको टीम टू लीड्स बना देखने को मिल जाएगा, तो इसमें आप एस करिएगा, जिसका और 1.48 का है। टीम टू यानी कि प्लेमाउथ जो है दो हाफ में से कोई एक हाफ जरूर से विन करेगी। हेड टू हेड में भी अच्छा रिकॉर्ड है, दोनों के बीच 5 मुकाबले हुए जिसमें से 4 बार जो है प्लेमाउथ ने विन किया और 1 बार ड्रॉ निकल गया है। इसका मतलब है कि एकरिंगटन स्टेनली अभी 5 मैचों में एक भी मैच नहीं जीता है। रिसेंटली फॉर्म जो भी है वो प्लेमाउथ का अच्छा है, और इंग्लैंड लीग वन की टॉप टीम है, तो आप आराम से विन कर सकते हैं। टीम टू लीड वन हाफ के साथ जाइएगा। अब बात करते हैं आज की अपनी सेकंड प्रोडक्शन की। दूसरी प्रोडक्शन अपनी जो है वो इंग्लैंड डेवलपमेंट लीग अंडर 21 का मैच रहेगा, जो कि शेफील्ड यूनाइटेड अंडर 20 और वर्नली अंडर 21 के बीच में होगा, जो कि शाम को 7:30 बजे से होगा। तो इस मैच में जो अपनी प्रेडिक्शन वो 1-1 है, जिसका और 1.43 का है, और 100% जो है लाइव मैच के समय इंक्रीज होगा। और मुझे लगता है कि इसमें आपको 2+ और भी आराम से देखने को मिल जाएगा, क्योंकि शेफील्ड यूनाइटेड और वर्नली यूनाइटेड दोनों ही जो है थोड़ा सा अच्छी टीम है। बर्नली भी मुझे लगता है गोल करेगी इस मैच में, बट आप जो है मुझे लगता है कि शेफील्ड यूनाइटेड को होम एडवांटेज मिल जाएगा, और जो रिसेंटली फॉर्म चल रहा है तो उस कॉन्फिडेंस की वजह से इस मैच को आराम से विन कर लेगी। तो आप जो 1-1 के साथ आराम से जा सकते हैं। अब बात करते हैं आज की अपनी तीसरी प्रेडिक्शन की। तो वो रहने वाली है अपनी जर्मनी रेंजन लीगा नॉर्थब्रेट का मैच रहेगा। इस लीग के अपने 2 मैच रहेंगे। पहला मैच अपना जो है SB04 और टेनिस ब्रोसिया वर्नल के बीच में होगा, जो कि रात को 8:30 बजे से होगा। तो इस मैच में जो अपनी प्रेडिक्शन रहेगी उसके लिए आपको रेगुलर टाइम में नीचे आना है, और यहाँ पर आपको जो है टीम बार रिजल्ट प्लस टोटल देखने को मिल जाएगा। तो इसमें आप जो है 1-1 एंड टोटल ओवर 1.5 एस करिएगा, जिसका आउट 1.38 का है। SB04 5 में से 5 ही गेम जीत के आ रही है, और टेनिस ब्रोसिया जो है अभी 5 में से सिर्फ 1 मैच ड्रॉ निकाला है, 4 लॉस किए हैं। हेड टू हेड में भी SB4 ने 5 में से 4 मुकाबले विन किए, 1 ड्रॉ में निकल गया है। तो पूरे चांसेस रहेंगे कि इस मैच को तो आराम से विन करेगी ही, और इस मैच में गोल जो है 2 या 2 से ज़्यादा होंगे। अब बात करते हैं आज की अपनी चौथी प्रेडिक्शन की। चौथी प्रेडिक्शन भी अपनी इसी लीग का मैच रहेगा, जो कि BSG और डेवल्स वर्ग 03 के बीच में होगा, जो कि रात को 11:30 बजे से होगा। तो इस मैच में जो अपनी प्रेडिक्शन है वो 1-1 है, जिसका आउट 1.54 का रहेगा। BSG अपने होम ग्राउंड पर है, प्लस इनके पास अच्छे स्ट्राइकर और डिफेंस भी अच्छा है, तो मुझे लगता है कि इस मैच को आराम से विन कर लेगी। तो आप जो है 1-1 के साथ जा सकते हैं। अब बात करते हैं आज की अपनी पांचवी और लास्ट प्रेडिक्शन की। तो वो रहने वाली है इम्पिच सेकेंड डिवीजन का मैच रहेगा। तो इस लीग का जो अपना मैच है वो अलनासर और बेडी डेगला के बीच में होगा, जो कि शाम को 6:30 बजे से होगा। तो इस मैच में जो अपनी प्रेडिक्शन है वो हैंडीकैप पर रहेगी। इसमें आपको जो है 2.0 करना है, जिसका आउट 1.41 का रहेगा। अब जिन लोगों को इसका मतलब नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि अगर बेडी डेगला टीम टू जो है अगर इस मैच को विन कर जाती है तो हम इसको विन कर लेंगे। अगर गेम जो है बराबर होता है, टाई से निकल जाता है ड्रॉ में, तो ये हमको पूरा रिफंड मिल जाएगा। और अगर बेडी डेगला जो है इस मैच को लॉस कर जाती है तो वैसे लॉस चली जाएगी। वैसे मुझे लगता है कि इस मैच को बेडी डेगला जो है विनिंग रिस्क में विनिंग या ड्रॉ में विनिंग में निकालने के चांस जो है 70% है, बाकी 30% चांस जो है ड्रॉ में है। तो आप जो है 70% के साथ जाइए। पिछला मैच भी मैंने इसी लीग का हैंडीकैप दिया था, जो कि इजीली अपना कल विन चला गया था, उसमें भी ऑड जो है 3 पॉइंट से भी ऊपर चला गया था। तो इस मैच में भी हो सकता है कि ऑड और भी इंक्रीज हो। तो फ्रेंड्स, आज भी अपनी टोटल 5 ही बैट रहेंगी। मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड लक।